हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व 2 × 2³। इसे सॉल्व करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही इजी है दोस्तों। तो मैं आपको सिखाने से पहले इसके बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ। आर मतलब राइट, जो मेरे राइट वाले हैंड में जो लेयर है ना वो आर। एल मतलब लेफ्ट। डी मतलब डाउन, नीचे वाला लेयर। बी मतलब बैक, पीछे वाला लेयर, जो मेरे पीछे पीछे के साइड है वो। तो मैं इसको अच्छी तरह से स्क्रैम्बल कर दे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे स्क्रैम्बल कर दिया है। तो मैं फर्स्ट लेयर बनाना सिखा देता हूँ आपको। ये आप यहाँ कौन सा वाइट आना चाहिए, ये मतलब व्हाइट और ऑरेंज, यहाँ भी व्हाइट और ऑरेंज आना चाहिए। अभी हमें व्हाइट और ऑरेंज पीस ढूंढना है। ये लीजिएगा दोस्तों, व्हाइट और ऑरेंज पीस यहाँ पर है। हमें इस तरह से इसको नीचे लेना है, से ऐसे वैसे ऊपर। तो ये दोनों तो मैच हो गए, अबे अगला वाला ढूंढते हैं। अभी यहाँ व्हाइट और ग्रीन है, अभी यहाँ भी व्हाइट और ग्रीन ही आएगा, तो हमें व्हाइट और ग्रीन पीस ढूंढना है। ढूंढते व्हाइट, ये देखो दोस्तों व्हाइट और ग्रीन पीस यहाँ पर है। इसे नीचे लेते हैं ऐसे करके। अभी एक और एक बार सिचुएशन ऐसे आएगी, व्हाइट और ग्रीन आपको यहाँ लगाना है, लेकिन वो यहीं पर ट्विस्टेड होता है। तब ये जो पहली एल्गोरिदम दिख रही है RRD, इसको 2 बार, 2 से 4 बार लगा देना है आपको। RRD, 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 इसको लगाते वक्त कुछ भी गड़बड़ मत कर दे करना। ये देखिए दोस्तों लग गया एक पीस, अब दूसरा। अभी हमें यहाँ व्हाइट और रेड कहाँ लगते हैं देखते, कहाँ हैं देखते हैं। ये लीजिए दोस्तों व्हाइट और रेड, यहाँ इसे ऐसे यहाँ घुमा दो और इसे पीछे ले लो। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आपका फर्स्ट लेयर जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको वाइट के अपोजिट येलो होता है, आप येलो, अभी येलो को सॉल्व कर रहे हैं। येलो कलर को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम है, वो है ये एल्गोरिदम। इसे सिंपली अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब ये पीस यही लगता है, तो इसे यहाँ अप्लाई कर दीजिए। RDR, RDR, RDR। तो यार नीचे का वाइट कलर जो है बिगड़ गया होता है, तो उसमें बोल रहा हूँ आपको, उस पर रत्ती भर भी मत ध्यान दो, रत्ती भर भी उस पर मत ध्यान दो आप। अब ये जो कलर है आप बैठ गए, तो ऐसे घुमा दो और फिर से वही एल्गोरिदम लगा दो। ये ध्यान में रखना, ये एल्गोरिदम लगाते वक्त कुछ भी गड़बड़ मत करना। अब अगर आपने गड़बड़ कर दी, नीचे का जो है बिगड़ जाएगा। और हाँ, ये ऊपर का बनाते वक्त नीचे रत्ती भर भी ध्यान मत दो कि वो बिगड़ गया है। RDR D। तो एक आर को नीचे, डी को इस तरफ, आर को ऊपर, डी को इस, आर को नीचे, डी को इस तरफ, आर को। तो देखिए दोस्तों, ऊपर का लेयर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ये येलो हमने बना लिए। और नीचे का भी जो बिगड़ गया था वो भी बन गया है। लेकिन ना, ये जो एल्गोरिदम लगाते वक्त नीचे रत्ती भर भी मत ध्यान दो। और ये एल्गोरिदम लगाते वक्त अगर आपने कुछ गड़बड़ की, तो आपका पूरा क्यूब बिगड़ जाएगा। तो हमारे
सिर्फ दो पीस बचे, इन दो पीस लगाने को यहाँ एक एल्गोरिदम दिख रहा है, ये एल्गोरिदम अप्लाई करते जाइए। तो क्या कहते हैं एल्गोरिदम? एल को ऊपर, यू को आगे, यू को आगे, आर को नीचे, को नीचे, डी, डी मतलब हमारा डाउन वाला लेयर, उसको दो बार, एक दो, आर, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, डी को 2 टाइम उस तरफ, और फिर आर को 2 बार ऊपर। तो इस तरह से आपका क्यूब जो है सॉल्व हो जाए। तो एक एक टाइम सिचुएशन दूसरी आ जाती है, तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है, एक एक बार यहाँ भी एक पीस गलत लगा है, यहाँ भी एक पीस है, तब भी ये एल्गोरिदम 2 बार लगाना है आपको। अब हम इस एल्गोरिदम को 2 बार लगा देते, एल को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, डी को 2 बार आगे, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, डी को 2 बार आगे, आर को 2 बार आगे। हमने एक बार ये लगा दिए, तब हम जब ये एल्गोरिदम एक बार लगा देते हैं, तब यहाँ यहाँ जो पीछे के जो दो पीस है एक ही कलर आते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये आ गए, इसे और इसे ज्वाइन करना है, इसे बैक मतलब हमारे पीछे की साइड रख देना है, इसे ऊपर रखना है, इसे नीचे रखना है। तो फिर से वही एल्गोरिदम लगा देते हैं, आर, एल को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, डी को मतलब डाउन लेयर को 2 बार आगे, आर को ऊपर, यू को इस तरफ, आर को नीचे, डी को 2 बार आगे, आर को 2 बार ऊपर। तो इस ऐसे तरीके से आपका जो 2 × 2 / 2 क्यूब है वो सॉल्व होगा, हो जाएगा।